पड़ेगा, लेकिन बांग्लादेश में जो स्थिति बनी है वो कहीं न कहीं हमारे सबके लिए दुखद है। और भारत के अंदर भी वर्तमान जो सरकार है, हमने, मैं सदन के अंदर हूँ, देश का सर्वोच्च सदन है, हमने भी कहा है कि लोकतंत्र जनता की भावना के अनुरूप काम करो, क्योंकि देश हमारा सबका है। अगर हम जातियों में बांटने का काम करेंगे, धर्मों की लड़ाई लड़वाना चाहेंगे, तो आने वाले समय में बांग्लादेश के जैसे हालात हमारे देश में भी हो सकते हैं। मानव मानव से नफरत करना शुरू कर देगा, हम नहीं चाहते। मानव सबसे बड़ा धर्म है, प्रकृति सबसे बड़ा धर्म है, उस आधार पर कोई भी सरकार हो वो काम करे। बांग्लादेश की घटना से हमारी सरकारों को सीखना चाहिए। सर, सलमान खुर्शीद ने जिस प्रकार का बयान दिया है कि भारत के अंदर में इस प्रकार के हालात हो सकते हैं, क्या कहेंगे सर? सर, सलमान खुर्शीद ने जिस प्रकार से बयान दिया है कि भारत में इस प्रकार के हालात हो सकते हैं, इस बयान को किस तरह से देखते हैं सर? देखो, वो उन्होंने क्या सोच के बयान दिया मुझे जानकारी नहीं है। अगर हमारी सत्ता जनता की भावना के अनुरूप चलेगी, क्योंकि जनता से बड़ा कोई नहीं है, बांग्लादेश के अंदर सांसदों को भागना पड़ा है, मुख्य प्रधानमंत्री को भागना पड़ा है, अगर हम लोग जनता की भावना के अनुरूप नहीं चलेंगे, देश में भी हालात बन सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ की सरकारें जनता की भावना के अनुरूप चले, जनता के भावना के अनुरूप काम करें। अमीर खान कह रहा है कि भारत के अंदर में खतरा है और जो हसीना शेख है वो भारत में पनाह ले रही है, सर किस तरह देखेंगे सर भारत को लेकर? वो पॉलिटिकली तरीके से पूरा चला रहे हैं, बहुत बड़ा इसके अंदर पॉलिसी है, इसको लेके भी काफी राजनीति चल रही है। और जो स्थिति बनी है बांग्लादेश की, हमारे को सीखना चाहिए। सर, बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ में अत्याचार है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं होना चाहिए, इसलिए हम कहते हैं कि धर्मों में नहीं बंटना है हमको। मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि वहाँ पर धर्म को लेकर जहर, जो देश आज भारत के अंदर भी धर्म के नाम से जहर फैला रहे हैं, तो हम चाहते हैं ये देश हमारा है, इसमें सभी धर्म, सभी जाति, सभी समुदायों के लोग रहे, सबको अपनी स्वतंत्रता है, अपना धर्म, अपनी जाति, अपने समुदाय को लेकर बात करने का, उसी आधार पर वर्तमान सरकार चले, ये हम चाहते हैं। किसी धर्म को, किसी समुदाय को डराने का, धमकाने का, उसके भेदभाव, जहर फैलाने का काम नहीं करें। सर, जिस प्रकार से बोले वाले आदिवासियों को यहाँ पर है वो ईसाईकरण कराया जा रहा है, क्या इस पर रोक लगनी चाहिए सर? हम लोग ये कह रहे हैं कि आदिवासी समुदाय धर्म पूर्वी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। आदिवासी समुदाय किसी भी धर्म व्यवस्था में नहीं आता है। आदिवासी ना ईसाई है, ना हिंदू है, ना सिख है, ना मुस्लिम है, लेकिन यहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है। आदिवासियों का ईसाईकरण भी हो रहा है, आदिवासियों का हिंदूकरण भी हो रहा है, वहाँ से फायदों के लिए किया जा रहा है। क्या रोक लगनी चाहिए?